क्या आप जानते हो कि इंसान हर समय तीन लेवल में से किसी एक में रहने का आदि होता है, जिसमें अगर इन तीनों लेवल की बात करें तो जिसमें पहला बॉडी का, दूसरा माइंड का और तीसरा लेवल सोल या आत्मा का होता है। और इनमें से जो सबसे कीमती लेवल होता है वह सोल का ही होता है। इसलिए जब भी कोई इंसान ज्यादा समय के लिए अपने इसी तीसरे लेवल पर जीने को जाने अनजाने ही सही मगर अपनाने लगता है तो उसके बिहेवियर में कुछ चेंज अचानक से ही आ जाते हैं। और जब ये चेंज किसी इंसान में आने लगते हैं तो कभी कभी तो वह खुद भी सही से नहीं समझ पाता है कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। इसलिए आज की वीडियो में इन्हीं परिवर्तन के बारे में पूरी डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें से अगर सबसे पहले चेंज की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद जो आता है वह यही होता है कि ऐसे इंसान की ईगो खत्म होनी शुरू हो जाती है और वह अपने आप को ईगोलेस महसूस करना शुरू कर देता है। और ईगो के खत्म होने के साथ ही इंसान का दिमाग एक ऐसे जाल से बाहर हो जाता है जिसके कारण वह बेमतलब ही परेशान हो रहा होता है और उसकी हेल्थ की क्वालिटी भी बहुत ही सही तरीके से चेंज होने लगती है। लेकिन इसके साथ ही ईगो के खत्म होते ही एक और बहुत बड़ा चेंज वह अपने अंदर महसूस करता है कि वह अपने आप को किसी काम के लिए स्टेबल नहीं रख पाता है। और इसकी वजह भी बहुत ज्यादा खास होती है, क्योंकि जब भी कोई इंसान वह सब होने का झूठा नाटक करता है जो वह हकीकत में होता ही नहीं है तो उसकी ये सारी इमेज टूटने लगती है। लेकिन फिर भी वह अपने आप को इस अपनी झूठी इमेज को अपने दिमाग में संभाले रखने के लिए बहुत से प्रयास हर दिन करता रहता है और ऐसे कामों में ही अपने दिमाग को उलझा के रखता है। लेकिन जब भी किसी की स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत होती है तो सबसे पहले उसकी ये सारी झूठी इमेज और ईगो की कहानियाँ झूठी साबित होने लगती है जो उसने अपने या किसी दूसरे के बारे में खुद को ही रोजाना हजारों बार सुनाई होती है कि वह खुद कैसा इंसान है और दूसरे लोग क्यों उसके साथ ही बुरा बिहेव करते हैं। क्योंकि निगेटिव ईगो केवल निगेटिव चीज ही किसी में देख सकती है, लेकिन यह ईगो ही कैसे किसी इंसान को सफलताओं के शिखर तक भी पहुंचा देती है, इसको भी पूरी डिटेल से आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसलिए अब अगर दूसरे चेंज की बात करें तो जब भी कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी में जाने अनजाने ही पहुंच जाता है तो ऐसा इंसान जाने अनजाने ही खुद को और दूसरों को बहुत ही सॉलिड एडवाइस देने लगता है जो किसी भी इंसान की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सेकंडों में केवल अपनी एडवाइस से दूर कर सकता है। और जब भी ये चमत्कार किसी के साथ होने लगता है तो इसकी पहचान बस इतनी सी होती है कि इधर आपसे किसी ने कोई प्रॉब्लम बताई या कोई सवाल पूछा और उधर आपने उसको कोई एडवाइस दी और इस काम में आपके दिमाग का जरा सा भी यूज नहीं हो रहा होता है। क्योंकि अगर आपने इसमें अपने दिमाग पर सोचने विचारने पर जरा सा भी जोर डाला तो आप फिर शायद सॉलिड एडवाइस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस सोच विचार में आपके बहुत से बिलीव और एक्सपीरियंस भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन तुरंत ही दी गई एडवाइस किसी और ही बड़े डायमेंशन से ऐसे लोगों की जबान से यह प्रकृति बुलवा ही लेती है जो उसको किसी दूसरे को बताना होता है। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो कि आपको सलाह देने की आदत सी हो रही हो या आपकी सलाह से दूसरे लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर कुछ बड़े चेंज हो चुके हैं जिनकी बदौलत ही आप फ्यूचर की चीजों को देख और सुन तो नहीं पा रहे हो लेकिन डायरेक्ट उनको बोल जरूर पा रहे हो और उसकी वजह से ही आप कीमती सलाह लोगों को दे पा रहे हो। इसलिए अब अगर अगले बड़े चेंज की बात करें तो जब भी कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी में जाने अनजाने प्रवेश कर जाता है तो उसके अंदर एक अजीब सी आवाज पैदा हो जाती है जो उसके दिमाग में अंदर की ओर चलती ही जाती है, जो उसको किसी भी चीज पर बस यूं ही विश्वास नहीं करने देती है और हर चीज पर क्यों कैसे के सवाल का टैग लगा देती है। और जब तक वे किसी बात के होने या किसी घटना के घटित होने के पूरे कारणों को सही से नहीं समझ जाता है तब तक ये आवाज उसके अंदर ही अंदर बहुत से सवालों को पूछती ही जाती है। और कमाल की बात तो तब हो जाती है जब यह उस दिमाग को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर लेती है जो किसी चीज के नकारने या मानने के पीछे अपने तर्क देता रहता है, क्योंकि आवाज आपके दिमाग पर भी भरोसा नहीं करती है और आपके दिमाग को भी बार बार अपनी राय किसी चीज के बारे में बदलने के लिए सलाह देती रहती है। और यह काम इसका तब तक चलता ही जाता है जब तक आप सब कुछ वह सही से नहीं जान जाते हो जो कि सच ही है। और जैसे ही आपको किसी बात के पीछे छिपे सच को दिखा देती है उसके बाद ये आवाज उस चीज के बारे में आपसे कोई भी सवाल पूछना बंद कर देती है। इसलिए अगर आपको भी कभी या अभी ऐसा महसूस हो रहा हो कि कोई आवाज आपके अंदर ऐसी है जो आप पर हर समय पहरा सा लगाए बैठी है और वह आपको सुनाई भी दे रही हो तो आप समझ सकते हैं कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में जाने अनजाने ही पहुंच गए हो और यहाँ सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है जो अभी आपके साथ चल रहा है।
इसलिए अब अगर अगले चेंज की बात करें तो जब भी कोई इंसान जाने अनजाने ही सही मगर स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश कर जाता है तो उसके साथ एक अजीब सी घटना घटित हो जाती है कि उसका माइंड पूरी तरह से एक्टिव होने लगता है और माइंड पूरी तरह से अलर्ट भी हो जाता है। और माइंड के अलर्ट होने की सबसे बड़ी वजह भी यही होती है क्योंकि अब यहाँ केवल इंसान का माइंड ही सुपर बॉस नहीं रह जाता है बल्कि माइंड की भी सुपर बॉस पावर में आ जाती है जिसको हम अपनी सोल के नाम से जानते हैं और वह अपने आगे किसी के भी बहाने नहीं सुनती है। खास तौर से माइंड की तो हर हरकत पर उसकी पूरी नजर होती है क्योंकि वह शायद बहुत अच्छे से जानती है कि अगर इंसान के साथ अगर कोई ठगने वाला गेम खेलता है तो वह भी उसका खुद का माइंड ही होता है। इसलिए सोल के पावर में आते ही इंसान का माइंड और ज्यादा अलर्ट हो जाता है। लेकिन आपको अभी इस वहम में रहने की जरूरत नहीं है कि आपका ये माइंड इसलिए अलर्ट हुआ है कि आपका साथ ही देगा बल्कि शुरुआत में यह अपनी मजबूरी के लिए और सोल की नजरों से बचकर अपने पसंदीदा काम करने के लिए ही अलर्ट हुआ होता है क्योंकि इस समय आपके माइंड की जान ही खतरे में पड़ी होती है और वो इसलिए क्योंकि इसने जो भी सोचने समझने के पैरामीटर अपने लिए तैयार किए थे यह बस उनको ही दोहराते रहना चाहता है। और जब यह बिल्कुल वैसे ही पैटर्न को दोहराता रहता है जैसा कि यह कई सालों से करता आया होता है तो इंसान की लाइफ भी इसी के अकॉर्डिंग रेस्पोंड कर रही होती है और यह दिमाग अपने सोचने समझने के तरीके बदलना चाहता ही नहीं है। इसलिए यह फिर से पावर में आने के लिए पूरी तरह से कहें या अपनी क्षमता के अनुसार अलर्ट हो जाता है। लेकिन जब कोई इंसान अपने दिमाग की सारी धोखेबाजियों को समझ जाता है तो वह इस पर पूरी तरह से काबू भी कर लेता है और केवल यही टाइम होता है जब कोई इंसान अपने दिमाग की अलर्टनेस को अपने फायदे के लिए प्रयोग कर जाता है। इसलिए एक बात तो पक्की है कि स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद इंसान का दिमाग अलर्ट जरूर हो जाता है और इसी के चलते ही ऐसे इंसान की लाइफ में एक और बहुत बड़ा चेंज आ जाता है जिसकी वजह से वह अपने लिए बिल्कुल क्लियर गोल सेट कर सकता है और सेट ही नहीं उनको बड़ी आसानी से पूरा भी कर सकता है क्योंकि इंसान को सफल होने के लिए बस कुछ ही चीजों की जरूरत होती है जिसमें सबसे पहली तो यह है कि उसको पता हो कि उसको क्या करना है और क्या पाना है और दूसरी यह है कि वह पहली बात को भूल ना सके कि उसको क्या करना है और क्या पाना है। और रही बात कैसे करने की तो स्पिरिचुअलिटी का यही तो फायदा होता है कि आपके हर सवाल का जवाब आपको किसी भी माध्यम से दे ही दिया जाता है लेकिन बस उसको पकड़ने के लिए आपका अलर्ट रहना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर आप भी अपने लिए बिल्कुल क्लियर गोल्स आदि को टाइम के अकॉर्डिंग सेट करने लगे हो तो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर कुछ चेंज आ ही चुके हैं जो आपको भले ही अपने गोल्स पर काम करने का मोटिवेशन ना दे पा रहे हो लेकिन कोई बात नहीं आप इनको अगर सेट ही कर पा रहे हो तो यह अचीवमेंट भी काफी है क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग आपको इन गोल्स पर काम करने का मोटिवेशन भी दे ही दिया जाएगा और इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और शायद इसी मोटिवेशन को देने के लिए एक और चेंज किसी इंसान की लाइफ में देर सवेर आ ही जाता है कि वह ज्यादा से ज्यादा समय अपने ही साथ गुजारना पसंद करने लगता है क्योंकि जब ऐसा इंसान अकेले में रहता है तो वह दिखने में तो अकेला दिख सकता है लेकिन उसका दिमाग विचारों से पूरी तरह से भरा होता है जिनमें से ज्यादातर बहुत से सवाल ही होते हैं और वह अकेले में इन सवालों के ही जवाबों को खोजने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि जैसे ही किसी के ये सवाल खत्म हो जाते हैं तो उसके पास केवल बहुत से उत्तर ही बच जाते हैं और इन्हीं उत्तरों के बेस पर जिनको उसने कई पैरामीटर्स पर परखा होता है उसी के बेस पर ही वह किसी को कीमती सलाह देने के काबिल बन पाता है। इसलिए अगर आपको भी भीड़ से अलग रहने का और अपने में ही मस्त रहने या बिजी रहने का मन कर रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है क्योंकि ये प्रकृति आप पर मेहरबानी कर रही है और इसी की बदौलत आखिरी में आपको यह बहुत कुछ सिखाकर एक ऐसी पावर दे जाएगी जो आपके लिए हर समय लाइफ के हर मोड पर काम आएगी। और यह सब कैसे काम आती है इसको आप शायद तभी सही से महसूस कर पाओगे और समझ पाओगे जब आपके साथ ये सब हो ही जाएगा और इसी अकेलेपन के चलते ही आपको कुछ ऐसे ऐसे नए एक्सपीरियंस होंगे जो आपको सोचने समझने पर मजबूर करेंगे जिसकी वजह से आपका बिलीफ सिस्टम पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और आप अपने द्वारा ही बनाए गए खुद के बिलीफ को ही बदलने पर मजबूर हो जाओगे क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आने लगेगा कि इस दुनिया में जो आंखों से दिखाई देता है और कानों से सुनाई देता है और जो लोग अपने मुंह से बहुत कुछ बोलते रहते हैं उसके पीछे बहुत से बड़े कारण छिपे होते हैं और सबसे बड़ी मास्टरी इन सब बातों के पीछे छिपे सच को पहचानने से ही शुरू होती है और इसके जैसी ही बहुत सी अजीबोगरीब चीजें आपको अपने खुद के और दूसरों के और इस यूनिवर्स के बारे में पता चलेगी और महसूस भी होगी। इसलिए अगर आपका पूरा फोकस अपने आप को जानने या बहुत सी ऑकल्ट चीजों को जानने की तरफ चला जाए तो ये बहुत ही साधारण सी बात ऐसे इंसान के साथ होती है जो भी स्पिरिचुअल लाइफ में जाने
अनजाने ही चले जाते हैं। इसलिए अब अगर अगले चेंज की बात करें तो जब भी कोई इंसान जाने अनजाने स्पिरिचुअल लाइफ में चला जाता है तो उसके अंदर एक और बड़ा चेंज आता है कि वह अपने द्वारा किए गए या उसके साथ किए गए पास्ट के कामों और व्यवहारों को सही से समझने लगता है कि क्यों उसके साथ किसी ने कोई खास तरह का व्यवहार किया था और क्यों उसने कोई खास तरह का व्यवहार किसी दूसरे के साथ किया था। और जितना ज्यादा कोई इंसान अपने आप को समझता जाता है तो वह आखिर में बस इतना ही समझ पाता है कि उसके साथ जो भी सही या गलत हुआ है वह उसके लिए खुद ही जिम्मेवार था। और अगर ऐसा सच है तो कैसे वह अपने साथ केवल अच्छा ही अच्छा करने की कोशिश कर सकता है। इसी को सही से समझने के लिए वह और भी गहरे रहस्यों को खोजने का और जानने का प्रयास बहुत से माध्यमों की मदद से करने लगता है। और इसलिए वह बहुत से इस प्रकृति में काम करने वाले नियमों को सही से समझना शुरू कर देता है, जिनकी मदद से वह अपने पास्ट की बुरी यादों से पीछा भी छुड़ा सकता है और साथ ही अपने बेहतर फ्यूचर के लिए कोई काम कर सकता है। और जब ये सब आपके साथ होने लगता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर स्पिरिचुअल लाइफ जीने के कारण ही कुछ ऐसे चेंज आ रहे हैं जो आपको अपने पास्ट को आज भी फेस करने की और इग्नोर करने की ताकत देंगे, साथ ही आपको फ्यूचर के प्लान सेट करने का साहस भी देंगे। इसलिए अब अगर नेक्स्ट चेंज की बात करें जो कि स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद अचानक से किसी इंसान के अंदर आ जाता है कि वह दूसरे के रास्ते में रुकावटें पैदा करने के बजाय दूसरों की हेल्प करने लगता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद इंसान को बिल्कुल क्लियरली पता भी चल जाता है और दिख भी जाता है कि हम सब यहाँ कोई ना कोई खास टैलेंट के साथ पैदा हुए हैं जो बहुत से लोगों के काम आ सकता है, जिससे सभी बहुत सी तरक्की तीनों लेवल पर कर सकते हैं और इस दुनिया को और ज्यादा खूबसूरत और रहने लायक बना सकते हैं। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो बस यही है कि अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाने लगे हैं या इसको कैसे जिया जाता है उसको सही से समझने लगे हैं तो आप अपने लिए एक ऐसा रास्ता तैयार कर रहे हैं जिस पर चलकर आप रोजाना ही बहुत सी मुसीबतों के भार को अपने कंधे से उतारते रहते हैं जिनको आप बेमतलब ही ढो रहे थे। और ये सब कीमती चेंज आपको बहुत कुछ ऐसा कीमती सिखा देते हैं जिसको शायद आप हमेशा से ही खोज रहे थे। इसलिए अब आपको क्या करना है और क्यों करना है आज आप बहुत कुछ समझ ही गए होंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक सबसे यूनिक और सबसे कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।